दोस्तों, कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि उनके मन में एक डाउट था कि पावर फैक्टर को हम कैसे मेंटेन करें, जो पावर फैक्टर हमारा होता है वह कैसे मेंटेन करें। इस पर उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि इसका हमको एक सटीक जवाब दीजिए। तो मैं इसी टॉपिक पर यह वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, और निश्चित ही आपको यह टॉपिक अच्छे से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, क्या है कि पावर फैक्टर कैसे मेंटेन करें। इस टॉपिक पर को समझने से पहले हम थोड़ा सा पावर फैक्टर आखिर हम क्यों मेंटेन करें, इस चीज को थोड़ा समझ लेंगे तो आगे इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, क्या है कि पावर फैक्टर को हम मेंटेन ही क्यों करें, आप पावर फैक्टर होती क्या चीज है, अगर आप इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, एक जरा सा थोड़ा सा इंट्रो है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने जो भी पावर हाउस है या आपका जनरेटर है या कोई भी डिवाइस है जहां से आप पावर सोर्स से आप पावर ले रहे हो, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि वह 2 किलोवाट का आपका सेंक्शन है, ठीक है। 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट वो स्टेशन, वो जनरेटिंग स्टेशन आपको दे रहा है पावर को, ठीक है। अब क्या किया कि देखिए, पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों, मैंने एक पावर फैक्टर पर एक वीडियो बनाया है, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है और वीडियो के लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्या है कि पावर फैक्टर जो 0 to 1 के बीच में वैरी करता है, ठीक है। मिनिमम वो 0 आएगा और मैक्सिमम वो 1 रहेगा, इसी के बीच में वैरी करता है। तो अगर जो हमारा पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू कॉस फाई, तो देखिए वोल्टेज जो हमारा वो फिक्स होता है, करंट हमारा वैरी करता है और कॉस फाई ही इसका गुणा कर देंगे तो हमारा पावर निकल आएगा, ठीक। तो अब क्या है कि मान लीजिए 200 वाट का हमारा जो सेंक्शन लोड है वो 200 वाट का है। तो अब मान लीजिए कि पावर अगर आपका 200 वाट का 2000 वाट का है और आपका पावर फैक्टर जो है 0 to 1 के बीच में वैरी कर रहा है, तो 2000 पावर जो आपकी 2000 है इंटू अगर आपका पावर फैक्टर 1 हो गया, ठीक, तो क्या होगा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 वाट पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। और अगर पावर फैक्टर 0.9 हो गया, ठीक है, 2000 इंटू 0.9 इज इक्वल टू हो जाएगा 2909009009918, ठीक, एक अंक बाद दशमलव है तो 1800 वाट हो गया, मतलब 200 वाट का आपका नुकसान हो रहा है, ठीक। यही चीज दोस्तों पावर फैक्टर होती है, जो आपका नुकसान होता है यही पावर फैक्टर है। तो अब जैसे 0.8 हो जाएगा तो 20% आपका नुकसान होगा, 0.7 हो जाएगा तो 30% का नुकसान होगा, तो वो अलग अलग नुकसान होता है, जितना पावर फैक्टर गिरता जाएगा नुकसान होता आपका बढ़ता जाएगा। तो इसी पावर फैक्टर को हमें मेंटेन करना है कि हमको कैसे हम इसको मेंटेन कर लें कि पावर फैक्टर हमारा डाउन ना हो, ठीक, और हमारा जितना का जितना हम बिजली ले रहे हैं पीछे से, जितना हम जनरेटिंग स्टेशन से हम ले रहे हैं बिजली, वह पूरा का पूरा हमें मिल जाए, हमारा नुकसान ना हो, ठीक है। तो क्या है कि इसके कुछ तरीके हैं। नंबर एक, सिंक्रोनस मोटर आप लगा करके आप पावर फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यह तरीका तो कर सकते हैं लेकिन यह तरीका बहुत कम चलन में, इंडस्ट्री वगैरह में आप इनका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सिंक्रोनस मोटर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन एक दूसरा तरीका है, नंबर दूसरा तरीका है दोस्तों, पावर कैपेसिटर बैंक। पावर कैपेसिटर बैंक लगा करके भी आप पावर फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं, और यह आसान तरीका, यह आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और अपनी जरूरत के अनुसार आप इसको ले भी सकते हो, ठीक है। अगर आपने अब इसकी जो इसमें जो कैपेसिटर जो लगाया जाता है वह KVAR में लगाया जाता है, इसकी रेटिंग जो होती है वो KVAR में होती है। इसका कैलकुलेशन का अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको KVAR कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो इस पावर कैपेसिटर बैंक जो आपका होता है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, इससे कैसे आप पावर फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर से तो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ट्रिपिकल चीज है। हम पावर कैपेसिटर बैंक के ऊपर बात कर लेते हैं। या दोस्तों, नंबर एक मैनुअल आप इसका मेंटेन कर सकते हैं, और एक ऑटोमेटिक आप पावर फैक्टर का मेंटेनेंस कर सकते हैं, मतलब मेंटेन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मैनुअल में क्या है कि जो हम पावर बैंक, जो कैपेसिटर पावर बैंक जो हम लगा देते हैं, वह जितने भी हम लगाएंगे उसके साथ आप स्टार्टर लगाएंगे, क्योंकि आप मैनुअली ऐसे तो ऑन कर नहीं सकते हैं कि सीधे जाकर के एमसीबी से ऑन कर देंगे। तो आपको एक स्टार्टर लगाना पड़ेगा कैपेसिटर बैंक को ऑन कराने के लिए। तो अब जो आपका, मान लीजिए जो बिजली का मीटर है, वहां पर पावर फैक्टर आपका शो करता है कि कितना पावर फैक्टर चल रहा है। तो आप मैनुअली उन स्टार्टरों को ऑन ऑन करके आप जा करके इस रीडिंग को आप देखते रहें, तो वो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही 0.80 हुआ, 0.99 हुआ, तो आप वहां तक देख करके आप मैनुअली, आप सारा काम मैनुअली आप करेंगे। जो भी स्टार्टर लगे होंगे उनको आप मैनुअली ऑन करके उनको आप देखेंगे कि पावर फैक्टर आपका मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है, आप ऑटोमेटिकली आप जो स्टार्टर है उनको ऑन करा देंगे, जितने कैपेसिटर बैंक की जरूरत होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएंगे और आपका पावर फैक्टर मेंटेन हो जाएगा। तो उसके लिए एपीएफसी पैनल आता है, एपीएफसी मीटर होता है, जो एग्जैक्टली बता देता है कि, वो जान जाता है कि कितने पावर कैपेसिटर बैंक की जरूरत है पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यह क्या करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो, कुछ इस तरह से यह होता है जो हमारा एपीएफसी मीटर होता है। जितने भी हमारे स्टार्टर होते हैं वो सारे के सारे एपीएफसी मीटर से कनेक्टेड होते हैं, और एपीएफसी मीटर ही निर्धारित करता है कि कितने जो कैपेसिटर बैंक की जरूरत है पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। वह स्टेप बाय स्टेप पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप जो कैपेसिटर बैंक है उन स्टार्टरों को वो ऑन कराता जाता है, और जब वह, मतलब वो अपने आप एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। जैसे ही वो मेंटेन करके एक पे ले आएगा, वो आगे के स्टार्टर को ऑन करना बंद कर देगा, और जैसे ही पावर फैक्टर फिर से घटेगा वो अपने आप अगले स्टार्टर को ऑन करा देगा और वो मेंटेन कर देगा ऑटोमेटिकली कि पावर फैक्टर जब एक आ जाएगा तो वह एकदम स्मूथली चलाता रहेगा। ठीक है, अब कितने किलोवाट पर, किलोवाट पे ही दोस्तों, क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्री होती है उसमें जो मोटरें लगी हुई होती हैं, इंडक्शन मोटरें लगी होती हैं, उन्हीं से पावर फैक्टर हमारा डाउन होता है। क्योंकि मैंने आपको कई पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं कि लोड 3 प्रकार के होते हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो इंडक्टिव लोड की वजह से ही पावर फैक्टर डाउन होता है। तो अब वो जो हमारा इंडक्टिव लोड है वह किलोवाट में है, ठीक, मतलब कि मोटर जो है हमारी वो कितने किलोवाट की है, उसी के अनुसार हम जो केवीआर का कैलकुलेशन हो करते हैं, जो हमारा केवीआर कैलकुलेशन करते हैं, उस वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आप केवीआर का कैलकुलेशन करके आप कितना बड़ा कैपेसिटर बैंक लगाएं, जिससे कि आपके जो, मान के चलिए आप डोमेस्टिक यूज के लिए कर रहे हो, घरेलू यूज के लिए कर रहे हो, तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो कि कितने केवीआर कैपेसिटर बैंक लगाएं, तो वहां से भी आप इसको कैलकुलेट कर लोगे कि कितने केवीआर का हम कैपेसिटर बैंक लगाएं। तो काफी अच्छा वीडियो दोस्तों, काफी हद तक आपको जानकारी उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक से संबंधित और भी कोई अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, या किसी भी टॉपिक से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है जो आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छे से अच्छे कमेंट करिए दोस्तों, मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना के लिए लेके आऊंगा। यह भी एक साथी ने कमेंट किया था, उसका जवाब मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको और उस साथियों को जवाब मिल गया होगा कि कैसे कैपेसिटर बैंक को हम यूज करके पावर फैक्टर को मेंटेन करें, क्योंकि सबसे आसान तरीका है कैपेसिटर बैंक का ही उपयोग करके। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए मिस नहीं होंगी और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।